मानवता भलाई के काम करते जाओ, वो ईश्वर वो परमात्मा जो सच है उसका साथ जरूर देंगे। इसलिए बहुत जल्द से जल्द हमें विश्वास है गुरुजी वापस भी आएंगे और सरकार को उनके मानवता भलाई के काम के लिए मंजूरी दे देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं पब्लिक सर्वे के लिए डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि वो डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सन डॉक्टर गुरमीत रामनेम सिंह जी इंसा के बारे में वो लोग क्या जानते हैं, आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा, जानते हैं उन्हीं से। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? भावना ठाकुर। कहाँ से आई हैं? यहीं सिरसा से हूँ, प्रीतनगर से। कितना समय हो गया आपको डेरे में आते हुए? मेरे को मेरी शादी के बाद नामदान लिया था, मेरे ससुराल पक्ष ने दिलाया था, तब से मैं डेरे में आ रही हूँ। और डेरे में आके हमें बहुत अच्छा फील हुआ, जैसे हम पूजा पाठ वगैरह करते थे उनसे सिर्फ हमें थोड़ी सेटिस्फाई होती थी मन में कि, पर जो अंदर से आत्मा में सुकून मिलता था, जो हमें एहसास होता था कि परमात्मा वाकई में क्या है। हम जाते थे मंदिरों में, पूजा करते थे, पाठ करते थे, मतलब खुद ही मिठाई के डिब्बे ले गए और खुद नहीं खा लिया, खुद के परिवार को दे दिया। चाहे कभी हम जितनी मर्जी महंगी से महंगी मिठाई ले जाते थे, क्या भगवान के आगे आधा पीस दे दिया और बाकी डिब्बा घर में ले आए, जो अपने जानकार हैं उनमें दे दिया, कोई भी अपने हैं उनमें दे दिया। पर जो हमें शिक्षा गुरु जी ने दी है ना यहाँ आके कि परमात्मा तुम्हारे मिठाई का भूखा नहीं है, कोई तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, सच में पता चला कि भगवान की भक्ति क्या होती है। गुरु जी ने हमें सिखाया कि ना अच्छी भक्ति और सच्ची भक्ति क्या होती है। हमें ना जो भी परमात्मा करना होता है लोगों के लिए, जो कर अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते, मीन्स जैसे अपन मिठाई का डब्बा दे दिया वो खा लिया, वो तो अपन ने खाया, तो उसमें परमात्मा ने सोचा कि मेरे जो मैंने दुनिया बनाई है, सृष्टि बनाई है, उसका क्या इसमें भला हुआ। इसलिए गुरुजी ने हमें बताया कि आपने महंगी मिठाइयों की जगह वो ही आप थोड़े गरीब बच्चे हैं उनमें बांटो, वो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, जो वो दुआ देती हैं, वो अपने ना मन को इतना सुकून देती हैं कि उससे हमें रियल में पता चलता है कि भगवान की पूजा क्या होती है। तो मैडम कितना समय हो गया आपको गुरु जी से जुड़े हुए? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल मैडम, बहुत कुछ हुआ फिर भी आपको क्या आज भी विश्वास है गुरुजी पर? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी हुआ, अगर बहुत कुछ होता तो दुनिया के सामने सच होता। चंद ऑफिसर आके चेकिंग करती हैं, वो रिपोर्ट बनाती हैं कि ना यहाँ पे डेरे में गुफाएं हैं, हॉस्टल से रास्ते निकलती हैं। अपना आधुनिक युग है, इतनी अपनी तरक्की हो चुकी है कि अपन लाइव टेलीग्राफ कर सकते हैं। जब अपन लाइव टेलीग्राफ कर सकते हैं तो चंद ऑफिसरों की क्यों ज़रूरत है? अगर कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी अपने को करना है, लाइव टेलीग्राफ सबसे अच्छा तरीका है। कोई पाबंदी नहीं है अपने डेरे में, किसी तरह की भी कोई चक्कर नहीं, कोई रोक टोक होगी, 10 ऑफिसर आए 12 ऑफिसर आए जितने चाहे आए, लाइव टेलीग्राफ होना चाहिए शुरू से लेके एंड तक। कोई से भी कमरे चेक करने हो, गुफा में जाना हो, तेरावास में जाना हो, लंगर घर में जाना हो, हॉस्टल में जाना हो, बकायदे अगर उनको लगता है कि सुरंगें बनी हुई हैं तो दिखाएं, लाइव दिखाएं, लोगों को पता चले कि वाकई में ही सुरंगें हैं। पर अपनी को सभी को पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रग माफिया का जाल है, जो उनके इतने लेवल पर जो ड्रग्स की जो था कारोबार बंद हो गया है, सिर्फ इस चक्कर में गुरुजी पे ये आरोप लग रहे हैं। तो मैडम इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप लोग आ रहे हैं, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? अंधविश्वास अगर इसको अंधविश्वास करते हो तो ब्लड डोनेट करके दिखाओ अंधविश्वास में, वैश्याओं की शादी करके दिखाओ, अपने घर की एक रोटी नहीं पकती। लोग जब भी कोई आपदा आती है, हजारों टनों में लाखों में सेवा चलती है, पानी की, खाने की, चारे तक की, लोग तो इंसानों का भला नहीं कर सकते, हमारे गुरुजी ने पशुओं तक का ध्यान रखती हैं, उनके लिए बकायदा चारे भेजती हैं। ये अंधविश्वास है, अब इसको अंधविश्वास कहेंगे? अगर ये अंधविश्वास है ना, दुनिया में अंधविश्वास होना चाहिए। तो मैडम जो लोग कभी डेरे में नहीं आए, उन्होंने सिर्फ मीडिया के थ्रू ही गुरुजी को जाना, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगी
इतना तो अपन कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार डेरा सच्चा सौदा आके देखिए, यहाँ की संगत को देखिए, यहाँ से मिलके देखिए। मेरे को नहीं लगता जो एक बार यहाँ आएगा कहीं और जा पाएगा, क्योंकि यहाँ में प्यार ही इतना आपस में है। जो मानवता भलाई के काम दिए जाते हैं वो इस तरह से हैं, जो रूह को सुकून मिलता है, जो आत्मा को सुकून मिलती है, और किसी चीज़ से नहीं मिलती। लोग डरते हैं अपनों को खून देने से। मैंने खुद ने पर्सनल 15 सालों में मैंने शायद, मेरे को एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं पता कि कितना टाइम हो गया, मैंने ना 18-19 बार से भी ज़्यादा ब्लड मैंने दे दिया है, और मेरे को इतना सुकून और इतनी खुशी मिलती है। और लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहते हैं मुरादें पूरी होती हैं, वहाँ हो या ना हो वो जाने, पर यहाँ पे 100% दिल से कुछ भी पुकारो, कुछ भी मानो, वो हमारा हर बार पूरा हुआ है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैडम, क्या आपको लगता है समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? अब इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस हिसाब से नशे फैल रही हैं, भ्रूण हत्या हो रही है, वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत गुरुजी की है। इसका लोस अब समाज बहुत हाई लेवल पे उठा रहा है। गुरुजी ने सफाई अभियान चलाए, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में डेंगू ख़त्म हो गए। अब नॉर्मल डेंगू की इतनी रिपोर्टें आ रही हैं, ब्लड पूरा नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं? अगर डेरा गलत है, डेरे के लोग गलत हैं, तो डेरे से ब्लड मांगने क्यों आती हैं? गलत लोगों का तो फिर ब्लड भी गलत होगा ना, नहीं लेना चाहिए गलत लोगों का ब्लड। जब भी उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, कोई भी समस्या होती है, तब आती हैं, डेरे को कह देती हैं, और हम बिना किसी की ऐसे कि कोई आए उच्च अधिकारी या कोई आए कि हमें कहे, रिक्वेस्ट करें, नहीं, हम तो अपने आप ही ब्लड देने के लिए, हर तरह की हेल्प देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, कि हमें तो इतना भी नहीं कहना पड़ता, हम तो आते हैं, हेल्प वो बाद में मांगते, चेहरे हम उनके पहले पढ़ लेती हैं कि कोई दुख से आया है, क्योंकि हमारे गुरुजी की, हमारे पिताजी की शिक्षा ही ऐसी है। मैडम, अभी एक गुरुजी ने मांग की थी कि वो सुनारिया धाम में रहकर मतलब सबको मोटिवेट करना चाहते हैं, वहीं से अपने प्रवचन देना चाहते हैं, तो इस बारे में आप क्या रहे, क्या सरकार को इस बारे में क्या करना चाहिए या आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को इस बारे में उनकी मांग जरूर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ना गुरुजी ने मानवता, किसी अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, जैसे ये मीडिया में अफवाह उड़ाई जाती है कि वो डर गए चेहरे पे, सोचो जिसके इतना राजा महाराजा की तरह उसकी शानुक शौकत है, उनकी इतनी ज़मीनें हैं, इतनी जायदाद है, उसके बाद भी दुनिया की भलाई के लिए वो अपने सब कुछ, अपने छोटे छोटे बच्चे तक त्याग के बैठा है, और उसको उम्र कैद की सज़ा और इतना जुर्माना लगा देते हैं, उसके बाद भी उसके चेहरे पे हम फील करते हैं, क्योंकि एक एहसास होता है बाप बेटी का, क्योंकि इतना प्यार हमें किसी ने दिया, हमें ना दिखाई सरकार, ना दिखाई कोई भी, फिर भी उनकी बातों से हमें एहसास हो गया कि उनको तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है किसी चीज़ का, कि ना कुछ डर भी नहीं है कि ये सजा मिल रही है, क्योंकि उनको विश्वास है अपने परमात्मा पे, और हमें परमात्मा से भी ज़्यादा अपने गुरु पे विश्वास है। उन्होंने इस थ्रू हमें संदेश दे दिया, बेटा मानवता भलाई के काम करते जाओ, वो ईश्वर, वो परमात्मा जो सच है उसका साथ जरूर देंगे। इसलिए बहुत जल्द से जल्द हमें विश्वास है गुरुजी वापस भी आएंगे, और सरकार को उनके मानवता भलाई के काम के लिए मंजूरी दे देनी चाहिए। तो बहुत बड़ी अपील इन्होंने सरकार से करी है, और आप देखते रहिए हमारा चैनल, हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे जो न जाने कितने वर्षों से डेरा में आ रहे हैं, जो बखूबी गुरुजी को जानते हैं, और बहुत कुछ इन्होंने हमें बताया संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा के बारे में। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। धन्यवाद।